हेलो गाइस, दिस इज रितु एंड वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। आज की हमारी वीडियो जो है वो बीएड सेकंड ईयर बैच 18 से 20 के स्टूडेंट के प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक प्रैक्टिकल से रिलेटेड गुड न्यूज़ शेयर करूंगी। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा गाइस। वीडियो को देखकर आपको बहुत अच्छा फील होगा और आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो परेशानियां हैं, आपको जो प्रॉब्लम्स हैं, आपको वो काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगे गाइस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, अब हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि वो गुड न्यूज़ क्या है। गाइस, हम सब चाहते हैं कि हमारे प्रैक्टिकल जल्दी हो जाए और रिजल्ट जल्दी आउट हो, जिससे कि हम टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज को अप्लाई कर पाए। और हम ये भी चाहते थे गाइस कि यूनिवर्सिटी का ध्यान इस तरफ केंद्रित हो, यूनिवर्सिटी हमारे प्रैक्टिकल और रिजल्ट आउट करने के बारे में सोचे कि किस तरीके से उन्हें जल्दी हमारे प्रैक्टिकल कराने हैं, हमारा जल्द से जल्द रिजल्ट आउट कराना है, जिससे कि हम अपने टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज को अप्लाई कर पाए, यूनिवर्सिटी हमारे फ्यूचर के बारे में सोचे। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि ऐसा होता हुआ अब नज़र आ रहा है। अब यूनिवर्सिटी बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच रही है, अब यूनिवर्सिटी खुद चाहती है कि बच्चों के जो प्रैक्टिकल है वो जल्द से जल्द हो, जिससे कि बच्चों का रिजल्ट टाइम रहते आउट किया जाए और बच्चे अपनी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज को अप्लाई कर पाए। गाइस, इसके लिए अब जो यूनिवर्सिटी है वो कॉलेजेस पर प्रेशर डाल रही है कि वो जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकल कराए, जिससे कि रिजल्ट भी जल्द से जल्द आउट किया जाए। यूनिवर्सिटी ने गाइस अपनी तरफ से पूरी रिजल्ट आउट करने की प्रिपरेशन कर रखी है, अब बस प्रैक्टिकल होना बाकी है। जैसे ही प्रैक्टिकल होकर मार्क्स आएंगे यूनिवर्सिटी के पास, यूनिवर्सिटी उसके कुछ ही दिनों बाद रिजल्ट आउट कर देगी। गाइज, मैं आपको बता दूं कि अब यूनिवर्सिटी भी चाहती है कि बच्चे के जो प्रैक्टिकल है वो जल्दी हो जाए, इसलिए वो सभी कॉलेजेस पर प्रेशर बना रही है कि सभी कॉलेज 20 नवंबर से पहले पहले बच्चों के प्रैक्टिकल फिनिश कर दे, जिससे कि बच्चों का रिजल्ट जो है टाइम रहते आउट किया जा सके। गाइज, बच्चों की टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए कल यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस जारी किया है। वो नोटिस जो है वो प्रैक्टिकल डेट स्लॉट से रिलेटेड है, उसमें नए प्रैक्टिकल डेट स्लॉट को जारी किया गया है। अब आपकी जो प्रैक्टिकल डेट है वो 8 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में है। अब इन्हीं डेट के बीच में आपके प्रैक्टिकल हो जाएंगे और आप, जिससे कि आपका जो रिजल्ट है वो 25 नवंबर से पहले पहले आ जाए और आप अपनी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज को अप्लाई कर पाए। मेरे पास एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी है, जिसमें ये क्लियरली मेंशन है कि यदि किसी कॉलेज ने प्रैक्टिकल के लिए लेट डेट स्लॉट लिया तो यूनिवर्सिटी को उसे एक वैलिड रीज़न रिटर्न में देना पड़ेगा, और अगर यूनिवर्सिटी को वो रीज़न वैलिड लगा तो यूनिवर्सिटी वो डेट स्लॉट कंसीडर कर लेगा, और अगर यूनिवर्सिटी को वो रीज़न वैलिड नहीं लगेगा तो यूनिवर्सिटी उसे कैंसिल कर देगा और कॉलेज को एक जल्दी की प्रैक्टिकल डेट लेने के लिए बोलेगा। गाइज, न्यूज़पेपर और नोटिस का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाकर उसे अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। और अब ये सारे न्यूज़ देखकर गाइस ऐसे लग रहा है कि आप अपनी टीजीटी और पीजीटी की जो वैकेंसीज है वो टाइम के साथ अप्लाई कर पाओगे। लास्ट में गाइस, मैं इतना ही बोलूँगी कि आप लोग यूनिवर्सिटी पर प्रेशर बनाने के लिए जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए, ये उसी का रिजल्ट है कि आज यूनिवर्सिटी आप लोगों के प्रैक्टिकल जल्द से जल्द कराकर आपके रिजल्ट के बारे में सोच रही है, आप लोगों के फ्यूचर के बारे में सोच रही है। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। प्रैक्टिकल से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।